बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब का चैनल जहां पर मैं पाकिस्तान एस्टोनिशिंग का डेली व्यू आपके साथ शेयर करता हूं। हम जो भी यहां पर रिसर्च शेयर करते हैं इसका कोई क्लेम या ब्लेम नहीं है। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कल की वीडियो में अल्हम्दुलिल्लाह कल की वीडियो में जैसे कि हमने आपको बताया था कि मार्केट के शॉर्ट ग्राफ पॉजिटिव है और मार्केट आपकी हाई सेट के लिए क्लियर है। मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है, 45,200 से लेकर 500 का लेवल मार्केट दिखा सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह आज मार्केट का आगाज पॉजिटिव हुआ। हमने देखा मार्केट ने 45,200 का लेवल ब्रेक किया और मार्केट ने हाई बनाया 45,540 का। इसके अलावा साथ ही हम स्पेशल ग्रुप में ऑडियो कॉल के थ्रू बताते रहे रेजिस्टेंस एरिया और सपोर्ट एरिया मार्केट का। इसके अलावा हमने प्रॉफिट टेकिंग के हवाले से भी बताया इंडेक्स के हवाले से। इंडेक्स ने 45,000 देखा जाए तो 450 के करीब क्लोजिंग दी, जहां हमने बताया कि मार्केट की जो क्लोजिंग होगी 45,400 से अबव होगी। अल्हम्दुलिल्लाह 45,450 के करीब क्लोजिंग रही, 593 पॉइंट प्लस के साथ मार्केट पॉजिटिव क्लोज रही। इसके अलावा आज वॉल्यूम में भी इजाफा था, जबकि आज मार्केट जो मार्केट के जो हाई लो के हिसाब से अगर देखा जाए तो 683 पॉइंट के दरमियान ट्रेड होती रही। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस जो लास्ट यानी जो मंथ करेक्शन आई थी मार्केट के अंदर 4,650 पॉइंट की आई थी 47,000 से। उस हिसाब से देखा जाए तो मार्केट ने अब तक 2,852 पॉइंट रिकवर कर लिए हैं, यानी कि मार्केट हाईली ओवरसोल्ड थी। जब मार्केट 42,689 के करीब लो सेट पर थी तब हाईली ओवरसोल्ड थी, और इस हिसाब से हम यही अपनी ऑडियो कॉल के थ्रू और वीडियो के वीडियो में ये बताते थे कि मार्केट हाईली ओवरसोल्ड है और मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करेगी। काफ़ी नादान लोग ऐसे भी थे जो हाईली ओवरसोल्ड का मतलब नहीं समझते थे। इनके लिए गूगल पर डिक्शनरी मौजूद है, वहाँ पर ये हाईली ओवरसोल्ड का मतलब समझ सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा कि हाईली ओवरसोल्ड होने के बाद मार्केट ने बाउंस बैक किया, 2,852 पॉइंट की रिकवरी अब तक हो चुकी है इंडेक्स के अंदर। इसके अलावा अगर हम पीपीलीपी डेटा की बात करें तो पीपीलीपी डेटा में आज फॉरेनर्स, इंडिविजुअल्स, कंपनीज, बैंक्स, एनबीएफसी की आज सेलिंग थी, जबकि इनके अगेंस्ट म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, ब्रोकर्स एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन की बैंक साइड पर थे। आज देखा जाए तो बैंक ने आज भी प्रॉफिटिंग की है, इसको हमें थोड़ा सा कंसीडर करना होगा क्योंकि बैंक जब भी प्रॉफिटिंग करती है मार्केट थोड़ी सी प्रॉफिटिंग की तरफ आती है। इसके अलावा अगर हम स्टॉक परफॉर्मेंस के हवाले से बात करें तो आज अल्हम्दुलिल्लाह स्पेशल ग्रुप में एक के बाद एक अच्छे स्टॉक्स बताए गए। इनके चलने से पहले आज ऑटो सेक्टर को बताया गया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा जीएचएनएल, होंडा कार, पीएसएमसी बेहतरीन मूव दिखाते रहे। साजगार इंजीनियरिंग के बारे में हमने बताया और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी पॉजिटिव क्लोज हुआ। इसके अलावा सीमेंट सेक्टर में पायनियर सीमेंट आपका रिबाउंड हुआ। इसके अलावा देखा जाए तो बलूचिस्तान ग्लास आज 10 रुपये से ऊपर का हाई लिया और बलूचिस्तान ग्लास ने भी अच्छी प्रॉफिटिंग का पूरा मौका दिया। इसके अलावा अगर देखा जाए तो टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में भी टीआरजी आज वंस अगेन ऊपर का लॉक के करीब क्लोज लॉक लगा। इसके अलावा नेटसोल, एवेंसियन बेहतरीन परफॉर्म करते रहे। इसके अलावा अगर रिफाइनरी सेक्टर की बात करें तो रिफाइनरी सेक्टर में भी हमने कॉल दी, अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल रही। इनके चलने से पहले कॉल दी गई, ATRL और PRL भी बेहतरीन परफॉर्म करते हुए नजर आए। इसके अलावा अगर हम अदर स्टॉक्स की बात करें तो अदर स्टॉक्स में भी आज काफ़ी अच्छी मूवमेंट थी और मार्केट ने इंडेक्स के लिहाज से, स्टॉक के लिहाज से आज बेहतरीन मूव दी। जैसे कि कल की वीडियो में ये बताया गया था कि शॉर्ट ग्राफ पॉजिटिव और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे क्लाइंट बिना किसी खौफ के एंट्री लेते रहे, एग्जिट होते रहे और एक अच्छी ट्रेडिंग करते रहे। इसके अलावा अगर हम वर्ल्ड मार्केट की बात करें तो वर्ल्ड मार्केट स्लाइटली प्रॉफिटिंग साइड पर है, जबकि क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल में 68 पॉइंट देखा जाए तो 68 पैसे की प्रॉफिटिंग है, 64 रुपये 12 पैसे के करीब ट्रेड हो रहा है। इसके अलावा ओवरऑल अगर देखा जाए तो इंडेक्स की जो क्लोजिंग रही 45,450 के करीब पॉजिटिव क्लोजिंग रही, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। इसके अलावा अभी देखा जाए तो इंडेक्स ने मुसलसल 4 डेज से मार्केट आपकी पॉजिटिव परफॉर्म कर रही है, जिसमें लास्ट फ्राइडे से लेकर फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, आज वेनिसडे मार्केट ने बेहतरीन परफॉर्म किया। 4 डेज से मुसलसल मार्केट बेहतरीन परफॉर्म करते हुए नजर आ रही है। देखा जाए तो मुसलसल 4 डेज से मार्केट बेहतरीन परफॉर्म कर रही है। मार्केट ने देखा जाए तो अच्छा गेन किया मार्केट ने ओवरऑल। और मार्केट के अगर हम रेजिस्टेंस एरिया और सपोर्ट एरिया की बात करें तो फर्स्ट रेजिस्टेंस एरिया है 45,600 का लेवल। मार्केट ये लेवल ब्रेक करती है तो सेकंड रेजिस्टेंस एरिया 46,000 का होगा, 46,000 का। थर्ड रेजिस्टेंस एरिया 46,300 का होगा। इसी तरीके से अगर हम सपोर्ट एरिया की बात करें
तो फर्स्ट सपोर्ट एरिया 45,200 है, सेकंड सपोर्ट एरिया 44,800 है और थर्ड सपोर्ट एरिया 44,500 है। वीक के हिसाब से अगर देखा जाए तो वीक के हिसाब से मार्केट ने जो हाई और जो लो बनाए उसके हिसाब से देखा जाए तो एवरेज इंडेक्स जो बनता है वो 44,164 का बनता है। उस हिसाब से देखा जाए तो मार्केट इस वक्त 45,450 पर है, यानी कि 1300 पॉइंट ऊपर है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इंडेक्स स्लाइटली ओवरबोट है, यानी कि इंडेक्स स्लाइटली ओवरबोट है इस वीक के हिसाब से, क्योंकि इंडेक्स की जो एवरेज इंडेक्स है 44,164 बनता है। इस हिसाब से अगर हम बात करें जो जनवरी के मंथ में 2495 पॉइंट का गेन किया था, फरवरी में 520 पॉइंट की इंडेक्स ने करेक्शन ली थी, और ये जो मार्च का जो मंथ है इसमें इंडेक्स एक टाइम में 3743 पॉइंट माइनस हो चुका था, वहां से बाउंस बैक होकर जस्ट 414 पॉइंट माइनस रह गया है। मार्च का जो इंडेक्स है अगर देखा जाए तो 414 पॉइंट रह गया है, जहां ये लास्ट वीक में 3743 पॉइंट माइनस था। ऑलमोस्ट देखा जाए तो अच्छी खासी रिकवरी की है इंडेक्स ने, और इंडेक्स देखा जाए तो मुसलसल 4 डेज से बेहतरीन परफॉर्म कर रहे, लेकिन स्लाइटली ओवरबोट है। आपने ये करना है कि शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से पैनिक सिचुएशन नहीं है, क्योंकि शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से अभी व्यू तेजी का ही है, लेकिन ये पॉसिबल है कि मार्केट आपकी 45,900 से लेके 46,200-300 के एरिया में प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। आपने ये करना होगा कि मार्केट हाई साइड की तरफ जाती है तो आप प्रॉफिट टेकिंग करें, और क्योंकि कल का एक दिन और कल के नेक्स्ट 2 डेज है मार्केट के अंदर, जिसमें कल आपकी हाई साइड से प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है, और फ्राइडे वाले दिन मार्केट थोड़ी सी मिक्स रहेगी, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से। तो कल आपने ये करने, आज बैंकों ने भी और दूसरे सेक्टर्स ने भी प्रॉफिट टेकिंग की है, तो आज आपने ये करने, कल मार्केट हाई साइड पर होती है तो आप प्रॉफिट टेकिंग करें जो आपने डिप पर स्टॉक्स बाय किए हैं। इसके अलावा काफ़ी स्टॉक्स ऐसे भी हैं जो आपके स्टॉक्स हाई प्राइस पे लिए हुए होंगे, लेकिन उनमें पैनिक ना हो, उनमें प्रेशर हो के उनको सेल ना करें, उनको होल्ड रख सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग व्यू के हिसाब से मार्केट बेहतर परफॉर्म करते हुए नजर आएगी। मार्केट में कोई पॉलिटिकल या कोई इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्केट जस्ट शॉर्ट करेक्शन ऊपर से ले सकती है, क्योंकि अगर देखा जाए तो इन 3 दिनों में, जैसे मंडे ट्यूजडे वेनिजडे, इन 3 दिनों में मार्केट थोड़ा थोड़ा गैप से भी स्टार्ट रही है, गैप को एडजस्ट भी किया है, लेकिन मार्केट पे वक्त शॉर्ट ओवरबोट है। तो इसलिए कल के दिन में आपने ये करना है कि हाई साइड की तरफ आपने प्रॉफिटिंग करना है। रेजिस्टेंस एरिया जो बताए जाते हैं उनका मकसद ये होता है, अगर रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक होगा तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया के लिए मार्केट ओके हो जाती है। इसी तरीके से सपोर्ट एरिया ये होता है कि सपोर्ट एरिया अगर ब्रेक होगा तो सेकंड सपोर्ट एरिया की तरफ मार्केट मूव करना शुरू कर देती है। तो ओवरऑल मार्केट का व्यू पॉजिटिव है, लेकिन प्रॉफिट टेकिंग कल आपने हाई साइड से आपने करनी चाहिए, और हाई साइड से आ सकती है। इसके अलावा स्टॉक्स के हवाले से अगर हम बात करें तो आज भी स्टॉक्स में देखा जाए तो रिफाइनरी सेक्टर्स कल बेहतर परफॉर्म कर सकता है, रिफाइनरी सेक्टर्स, ऑटो सेक्टर्स, सीमेंट सेक्टर स्पेशली कल बेहतर परफॉर्म कर सकता है। ओवरऑल इसके अलावा फार्मास्यूटिकल अदर स्टॉक्स भी बेहतर है, मार्केट आपकी स्टॉक के लिहाज से, इंडेक्स के लिहाज से बेहतर परफॉर्म कर रही है, और इंशाल्लाह आगे भी गुंजाइश मौजूद है जिसमें स्टॉक्स और इंडेक्स आपके बेहतर परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी स्टॉक्स शेयर करते हैं मार्केट के दौरान, और मार्केट के दौरान इनकी बाइंग रेंज सेलिंग रेंज बताई देती है। जैसे कि आज भी अगर देखा जाए तो हमने आज बैंकों के बारे में भी बताया, जिसमें HBL भी था, UBL भी था, हमारी कॉल के बाद अप हुआ। इसके अलावा पाकिस्तान रिफाइनरी ATRL के बारे में कॉल दी गई, इनके चलने से पहले जब 270 रुपये पे होंडा कार था तब कॉल दी गई, अल्हम्दुलिल्लाह होंडा कार ने भी हाई लिया। इसके अलावा अगर देखा जाए तो PSMC, SNGP और पाइनियर सीमेंट भी बेहतर वर्क करते हुए नजर आए। अगर आप चाहें हमारे इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहें आप जुड़ सकते हैं, काफ़ी क्लाइंट हमसे जुड़ चुके हैं और हमारी इस सर्विस से काफ़ी बेनिफिट हासिल कर रहे हैं, आप भी हमारी सर्विस से अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं और हमारे इस सिस्टम का हिस्सा बन सकते हैं। सिस्टम का हिस्सा बनने के लिए आपका अकाउंट आप हमारी तरफ ओपन कर सकते हैं, या आपका अकाउंट कहीं और है तो आप हमारी तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। अपना अकाउंट आप हमारी तरफ शिफ्ट करने के लिए या न्यू अकाउंट ओपन करने के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, शुक्रिया। कमरन मेमन भवानी, अल्लाह हाफिज़।